जब आपको अपना किया हुआ काम गूगल क्लासरूम पर सेंड करना होता है तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलते हैं। उसके बाद अब आप ऑडियो सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह से खुलते हैं इमेजेस, लेकिन अभी आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, जहाँ पे मैंने सर्कल किया है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी ऑप्शंस इस तरह से इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो की आपको मिलेगी। अगर आपने पहले से ऑलरेडी सेव कर रखी है बच्चे की ऑडियो तो या वीडियो तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी टाइम ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप उसी टाइम ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्डर में जाएंगे, रिकॉर्डर पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्डर पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। मुझे स्टार्ट करना है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट हो गई, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गया। अब जब मेरी हो गया पूरा, मान लो ये पूरा हो गया, तो ये मैंने इधर टिक वाले मार्क पर क्लिक कर लिया, मेरी ऑडियो बन गई। तो इसको मैं वापस से सुनना चाहती हूँ कि ये कैसी बनी है, तो ये यहाँ पर इस प्ले वाले बटन पर मैं क्लिक करूँगी। ये स्टार्ट हो गई, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गया। अब जब मेरी इस तरह से आप यहाँ पर सुन सकते हैं इस प्लेइंग वाले बटन से क्लिक करके, उसके बाद अब आपको लग रहा है ये ठीक बनी है तो आप क्या करेंगे, ठीक बनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके मुझे सेंड कर देंगे, और अगर ठीक नहीं बनी है तो आप यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से जब तक आपको ऐसे लगे कि ये रिकॉर्डिंग अच्छी हो गई है तो उसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके मुझे सेंड कर देंगे, और अगर नहीं लगेगा तो डिलीट करके दोबारा से रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके।